आज की कहानी में ये जानेंगे कि जब हम सो रहे होते हैं और अचानक से उठ जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि दुनिया में 40% लोग ऐसे हैं जो स्लीप पैरालिसिस का शिकार हैं। स्लीप पैरालिसिस सोने और जागने के दरमियान की ऐसी स्टेट को कहते हैं जब हम अपने होश में तो होते हैं पर बोल या हिल नहीं पाते। मेजॉरिटी को कोई डिमोनिक स्टेट का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि सो रही थी, मगर अचानक से उसको अपनी मदर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए अपनी मदर के रूम के पास जाती है। तभी उसकी मदर रूम से बाहर आकर उसको गले लगा लेती है। उसकी मदर से कह रही थी कि रूम के अंदर मत देखना। गलती से रूम के अंदर देख लेती है। वो देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसके फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनकी डेथ हो गई थी। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर उस छोटी बच्ची की चीख निकलती है। इसके बाद डॉक्टर केट को देखते हैं। डॉक्टर केट को एक डिटेक्टिव ने हेलिना के घर पर बुलाया था। वहाँ पर पहुँच कर डॉक्टर केट को डिटेक्टिव ये बताता है कि हेलिना ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है। डिटेक्टिव डॉक्टर केट से कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि चेक करो कि उसको मेंटल असाइलम भेजा जाए या नहीं। अब केट क्राइम साइट पर जाती है जहाँ पर वो हेलिना के हस्बैंड को देखती है। उसकी आईज बिल्कुल रेड थी और उसकी बॉडी भी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। केट वहाँ पर बड़ी हुई चीजों की पिक्चर्स लेती है। केट उसके बाद हेलिना की बेटी के पास जाती है जो डर की वजह से ऊपर वाले रूम में बेड के नीचे छुपी हुई थी। वहाँ पर उसके ग्रैंडपा केट को ये बताते हैं कि हेलिना के हस्बैंड को एक आदमी ने मारा है जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और अक्सर वो हमारे घर पर मेरे बेटे से मिलने आया करता था। मगर केट कहती है कि एक बार उसको हेलिना की बेटी से बात करनी है। अब वो बहुत ही प्यार से हेलिना की बेटी को बात करने के लिए मना लेती है। हेलिना की बेटी केट को ये बताती है कि मेरे डैड को मारा ने मारा है, पर आप प्लीज मेरी मॉम को कहीं पर लेकर मत जाना। फिर केट मारा के बारे में हेलिना से पूछती है, मगर हेलिना जैसे ही मारा का नाम सुनती है तो वो जोर से चिल्लाती है। वो पुलिस स्टेशन में केट को बता रही थी कि मेरे हस्बैंड काफी दिन से डिस्टर्ब थे और उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उनका एक लड़की के साथ अफेयर भी था और उसने इस बात के लिए मुझसे माफी भी मांगी थी। पर जब मैं उसी रात उठी जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं स्लीप पैरालिसिस में थी, मगर मुझे अपने रूम में एक इवल के होने का एहसास हुआ और तभी एक हॉरर म्यूजिक चलने लगा। तभी मैंने स्लीप डीमन मारा को देखा। वो मेरे हस्बैंड के चेस्ट पर बैठी थी और उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। केट से ये कह रही थी कि मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं मारा। पर यहाँ पर डिटेक्टिव को हेलिना की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और वो कहते हैं कि इसे मेंटल असाइलम जरूर भेजना होगा। अब केट ना चाहते हुए भी पेपर्स पर साइन कर देती है, हेलिना को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। पर उसी दौरान केट को भी अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास हो रहा था। इसके बाद हेलिना को उसकी बेटी से मिलवाया जाता है और फिर मेंटल हॉस्पिटल वाले आकर हेलिना को ले जाते हैं, जिससे हेलिना और उसकी बेटी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। हेलिना की बेटी केट से ये कहती है कि आपने तो कहा था मेरी मॉम को कुछ नहीं होगा। केट को भी इस बात पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब केट भी सोते हुए स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करती है और उसको अपने किचन काउंटर के पास एक बहुत ही अजीब सी लेडी भी खड़ी हुई नजर आती है। मगर उस लेडी के जाते ही केट बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिरकार वो लेडी कौन थी। केट अब उस ड्राइंग को जोड़ती है जो उसको हेलिना के हस्बैंड के रूम से मिली थी, जिसमें लिखा था कि ताकाहाशी सब कुछ जानता है। नेक्स्ट डे केट उसी एड्रेस पर जाती है। वहाँ पर जाकर उसको ताकाहाशी की बॉडी अजीब तरह से मिलती है और घर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। केट अब वहाँ पर डिटेक्टिव्स को बुला लेती है। इसकी बॉडी की हालत भी सेम वैसी थी जैसी कि हेलिना के हस्बैंड की थी। यहाँ पर डिटेक्टिव को यही लग रहा था कि इसको भी हेलिना नहीं मारा है। केट कहती है कि हेलिना ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद केट मेंटल असाइलम में हेलिना से बात करने के लिए जाती है और उससे उन्हीं दोनों आदमियों का पूछती है, जिसके घर ये अभी गई थी जिसकी डेथ हो गई थी और दूसरा आदमी वो जिसके बारे में इसके फादर इन लॉ ने बताया था। मगर हेलिना बिल्कुल चुप थी, वो केट से कोई भी बात नहीं करती। केट कहती है, देखो मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर तुम उससे बात तो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब यहाँ पर हेलिना अपने हस्बैंड की स्टोरी बताती है। कहती है कि मेरे हस्बैंड को स्लीप प्रॉब्लम थी तो इसीलिए हम एक डॉक्टर के स्लीप पैरालिसिस प्रोग्राम में गए और वहीं पर हम इन दोनों आदमियों से मिले थे। पर तभी मेरे हस्बैंड ने स्लीप पैरालिसिस में डीमन मारा को देखा और तभी से चीजें खराब होने लगी। हेलिना अपनी आईज में एक मार्क भी दिखाती है। कहती है कि मारा अपने विक्टिम्स को मार्क कर लेती है और अब उसका अगला शिकार मैं हूँ। तो प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास ले जाओ, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, वरना मैं
मदर इन लॉ ने बताया था तो वो यहाँ पर कहता है कि हाँ ये मारा के बारे में बात कर रहा है। वो आदमी कहता है देखो तुम सोना मत वरना मारा तुम्हें मार डालेगी। डॉक्टर कहता है कि ये सब तुम्हारी हेलुसिनेशन है और कुछ भी नहीं है। पर इस डॉक्टर की बात पर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उस आदमी की ग्लासेस उतार कर सबको दिखाता है। उस आदमी की आईज पूरी तरह से रेड हो गई थी और वो आज रात मरने वाला था। यहाँ पर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि डॉक्टर की बातें फजूल है, मारा सच में है और वो हम सबको मार देगी। ये सब कहकर वो बाहर चला जाता है। केट भी उसके पीछे पीछे जाती है मगर वो वहाँ से जा चुका था। केट वापस घर आ जाती है। घर आकर केट को हेलिना का मैसेज मिलता है जो केट को ये बता रही थी कि मारा मेरे बिल्कुल करीब आती जा रही है। वो कहती है प्लीज मुझे बचा लो। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी आईज बिल्कुल रेड हो गई थी। वो अब इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद को जलाकर मार लेता है। और उधर केट ड्रिंक करती हुई अपने घर पर सो गई थी। तभी वो दोबारा से स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है और तभी उसको एक लेडी का फिगर घोस नजर आता है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वो अचानक उठ जाती है। उसको डिटेक्टिव की कॉल आती है। डिटेक्टिव अब उस आदमी के बारे में केट को बताता है जिसने खुद को जलाकर मार लिया था और वो इसके मर्डर केस में उसी आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं जिस आदमी ने इसको डराया था। वो आदमी डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी केट उससे मारा के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मारा सबसे पहले ताकाहाशी को नजर आई थी। उसने जब मुझे ये सब कुछ बताया था तो मैंने भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं किया और अब मैं बता रहा हूँ। वो हजारों सालों से ऐसे ही लोगों को मारती आ रही है। उसने हेलिना के हस्बैंड को भी मार किया था और वो सेम मार्क अब अपनी आईज में भी दिखाता है जो हेलिना की आईज में भी था। वो आदमी बताता है कि जब वो डीमन आपको ये रेड निशान देगी तो आपको सोना नहीं है वरना वो स्लीप में हमें मार देगी। डिटेक्टिव और केट को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था मगर कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से ये दोनों उस आदमी को छोड़ देते हैं। डिटेक्टिव ने हेलिना को भी छोड़ दिया था जिसके बाद केट उसको मेंटल असाइलम में लेने के लिए जाती है। मगर केट जब वहाँ पर जाकर देखती है तो हेलिना भी सेम उसी कंडीशन में मर चुकी थी जिस कंडीशन में हेलिना का हस्बैंड मरा था। केट को हेलिना के बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो गिल्ट फील कर रही थी कि उसकी वजह से हेलिना की डेथ हो गई। इसके बाद केट घर आ गई थी। घर आकर वो रिलैक्स करने के लिए बाथ टब में बैठती है पर इसी दौरान उसकी थोड़ी सी आंख लग जाती है। वो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करती है पर तभी मारा उसको क्लियर अपने सामने पर्दे के पीछे नजर आती है। केट पूरी तरह से डर गई थी पर उसके जाते ही केट दोबारा से होश में आ जाती है। जब वो होश में आकर देखती है तो उसको फ्लोर पर निशान भी नजर आते हैं और वो ये समझ गई थी कि ये उसका कोई ड्रीम नहीं था, ये रियलिटी थी। तभी वो अपनी लेफ्ट आई में उसी मार्क को देखती है जो रेड मार्क हेलिना ने उसको अपनी आंख में दिखाया था। इसके बाद केट चुपके से डिटेक्टिव के ऑफिस जाती है। उसको एक पेन ड्राइव मिलती है। उस पेन ड्राइव के अंदर हेलिना की डेथ की सीसीटीवी फुटेज थी। उस वीडियो में केट ये देखती है कि हेलिना के ऊपर एक काला साया बैठा था और वो उसका गला दबा रहा था। अब केट उस आदमी के घर पर जाती है जिसने मारा के बारे में केट को बताया था। उस आदमी की लेफ्ट आई पूरी तरह से रेड हो गई थी और उसने घर में लाउड म्यूजिक लगाया हुआ था ताकि वो लाउड म्यूजिक की वजह से सो ना पाए। जब केट उसको अपनी आई में वही मार्क दिखाती है तो वो उसको अंदर आने देता है। केट जब अंदर आकर देखती है तो पैरालिसिस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई थी और मारा के बारे में भी। वो मारा की हिस्ट्री के बारे में उसको बताता है। वो अपने विक्टिम्स को स्टेजेस में मारती है। पहली स्टेज में तुम उसको पैरालाइज्ड होकर देखते हो, फिर सेकंड स्टेज पर वो किसी किसी को आंख में रेड मार्क कर देती है। थर्ड स्टेज में हमारा उसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, वो आपके चेस्ट पर बैठ जाती है और फिर इसके बाद आप उसको जागते हुए भी देख सकते हो और फिर इसके बाद जैसे ही हम सोते हैं वो हमें मार देती है। केट अब ये सब सुनकर कहती है तो अब तक तुम कैसे जिंदा हो। वो बताता है कि मैं सिर्फ 20 मिनट्स की स्लीपिंग लैप्स लेता हूं। मैंने ये नोटिस किया
ब्रेसेस में ले जाती है और तभी मारा उसकी चेस्ट पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है, मगर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही केट बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और फिर नेक्स्ट डे वो हेलिना की बेटी से बात करती है तो उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि हेलिना की बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो सो नहीं पाती। उसको ऐसा लगता है कि तुमसे बात करने की वजह से वो अपनी मदर से अलग हो गई, इसीलिए तुम हमें अकेला छोड़ दो। कॉल आती है, वो कहता है कि मैं स्टेज 4 में आ गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मारा मुझे हर तरफ नजर आ रही है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो वरना मैं खुद को ही मार लूंगा। तभी केट जब घर पर जाती है तो वो अपनी आईलेट काट रहा था। केट उसको डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर आती है, वो उसको मॉनिटर कर देते हैं ताकि वो सुकून से सो सके और वो उसको यकीन दिलवाते हैं कि अगर हमने कोई भी ऐसी डिमोनिक एंटिटी को देखा तो हम तुम्हें जगा देंगे। फिर इसके बाद केट भी उसको तसल्ली देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बताता है कि मैं जान चुका हूँ कि मारा मेरे पीछे क्यों आई, मैंने वॉर के दौरान एक इनोसेंट फैमिली को मार दिया था जिसके बाद मैं गिल्ट में था, मगर केट उसको तसल्ली देकर सुला देती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है। डॉक्टर और असिस्टेंट दोनों उनको मॉनिटर से देख रहे थे, मगर जब आधी रात होती है तो असिस्टेंट भी तंग आकर मॉनिटर से चली जाती है और वहाँ पर डॉक्टर भी कुछ और काम करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उनके रूम में मारा जाती है, केट भी उस दौरान स्लीप पैरालिसिस में थी और वो इस हालत में मारा को देखती है जो डॉगी की चेस्ट पर जाकर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है, मगर केट स्लीप पैरालिसिस में थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसा कि हमें पता है कि स्लीप पैरालिसिस में इंसान ना तो बोल सकता है और ना ही हिल सकता है, और तभी डॉक्टर भी उनके रूम में आ जाता है। पर डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार डॉगी को क्या हुआ है, डॉगी को मारा ने मार दिया था। उसको मारने के बाद अब वो केट की तरफ जाती है, केट की भी आईज पूरी तरह से रेड हो गई थी, पर तभी डॉक्टर ने केट को स्लीप पैरालिसिस से जगा दिया था। केट और डॉक्टर दोनों को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद केट को पता चलता है कि हेलिना की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। केट हेलिना की बेटी को देखने के लिए जाती है, उसकी भी आईज पूरी तरह से रेड थी, इसका मतलब वो भी 4 स्टेज पर थी। केट उसके ग्रैंडपा से कहती है कि इसको सोने मत देना वरना ये मर जाएगी, मगर उनको ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है और वो केट को यहाँ से चले जाने का कहते हैं। इसीलिए केट अब डॉगी के घर पर जाती है, वो हेलिना की बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी ताकि वो उसके घर जाकर मारा से रिलेटेड कोई लिंक ढूंढ सके। और फिर उसको वहाँ पर डॉगी का एक बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स में उसकी कुछ चीजें थी। केट जब चेक करती है तो उसको ये मिलता है कि कैसे उसने वॉर के दौरान एक इनोसेंट फैमिली को मारा था और वो गिल्ट में था, और वो आदमी जिसकी आईज हमने सबसे पहले रेड देखी थी, जिसने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था, उसने अपनी मदर को एक्सीडेंटली मार दिया था और इसीलिए वो भी गिल्ट में था, और सेम हेलिना के साथ भी था, और वो भी अपने हस्बैंड की डेथ पर गिल्टी फील करती थी कि उसकी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। और केट अब हेलिना की डेथ की वजह से खुद को गिल्टी फील कर रही थी और जो हेलिना का हस्बैंड था वो अपने अफेयर की वजह से गिल्टी था। अब केट ये सब जानने के बाद डिटेक्टिव को कॉल करती है और ताकाहाशी के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि आखिरकार उस आदमी ने ऐसा क्या बुरा किया था जिसके बाद मारा अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आई। डिटेक्टिव उस आदमी के बारे में बताता है कि वो एक स्कूल में शेफ था, उसने एक खराब फिश पकाकर सबको खिला दी थी जिससे कि 38 बच्चे मर गए थे। केट समझ गई थी कि यही ट्रेजेडी है जो मारा को हमारी दुनिया में लाई है। ताकाहाशी बहुत बड़ी गिल्ट में था। अब डिटेक्टिव केट से ये पूछता है कि अगर ये सब कुछ सच है तो हेलिना की बेटी को क्या गिल्ट हो सकता है। केट
तुम्हारी वजह से मैं मर गई। तभी केट स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। दोबारा से मारा उसकी तरफ आ रही थी और उस पर